सभी घर वाले हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठे हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बेसब्री से देख रहे थे। माहौल में बेचैनी और चिंता घुली हुई थी। हर कोई एक उम्मीद लगाए बैठा था कि डॉक्टर कोई अच्छी खबर देंगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अचानक खुला और डॉक्टर बाहर आकर खामोशी से खड़ा हो गया। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी, चेहरे पर गंभीरता छाई थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सॉरी, हम आपके मरीज को बचा नहीं सके। ये शब्द सुनते ही राहुल के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह फूट फूट कर रोने लगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसकी प्यारी पत्नी राधा थी। उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था और डॉक्टर उसे बचाने में नाकाम रहे थे। राहुल की पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। उसका दिल दर्द से छलनी हो गया और वो खुद को संभाल नहीं पाया। कुछ समय बाद राधा का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता की आग के साथ राहुल का मन भी जल रहा था। घर लौटने पर उसे हर कोना राधा की याद दिलाता। वो जहां भी देखता, राधा की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी खुशबू उसे महसूस होती। राधा के बिना घर कितना सूना हो गया था। राहुल अपने कमरे में बैठकर उसकी तस्वीर के सामने बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। राहुल की माँ ने उसे इस हाल में देखा और पास आकर बोली, राहुल, अब बस करो और रोने की कोई जरूरत नहीं है। एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी। माँ की ये बात सुनकर राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन चिल्लाने का था, पर उसने खुद को रोका। उसने समझ लिया था कि राधा की मौत के पीछे उसकी माँ और बहन का हाथ है। उन्हें राधा से कभी कोई लगाव नहीं था, बल्कि वे उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सारा दिन उसकी माँ और बहन राधा को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते थे। राधा ने राहुल को कई बार इस बारे में बताया भी था, लेकिन राहुल उस समय अपने परिवार को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की शांति भंग हो। एक दिन राधा ने राहुल से कहा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब राहुल ने राधा को लेकर शहर में अलग रहने का फैसला किया। उन्होंने शहर में एक छोटा सा किराए का घर लिया और वहां दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शुरुआती दिनों में उनकी जिंदगी में खुशी और सुकून लौट आया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। कुछ ही दिनों बाद राहुल की माँ और बहन भी शहर में रहने आ गईं, और फिर वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया। उसकी माँ और बहन ने एक बार फिर से राधा को तंग करना शुरू कर दिया। राधा ने राहुल से अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राहुल और परेशान हो। वो बस चुपचाप घर के कामों में लगी रहती, मगर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसकी उदासी और तनाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन राहुल को काम के सिलसिले में 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद राधा की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी सास ने उसे अनसुना कर दिया। राधा ने दर्द सहते हुए दिन गुजारे, लेकिन एक दिन अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी सास और बहन ने उसे देखा तो घबराते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि राधा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर उसे कुछ दिन पहले हॉस्पिटल लाया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अब ऑपरेशन करना जरूरी था। तुरंत राहुल को फोन किया गया। जब तक राहुल हॉस्पिटल पहुंचा, राधा का ऑपरेशन चल रहा था। राहुल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें हर पल दरवाजे की ओर लगी हुई थी, लेकिन उसे अंदर से डर भी था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसने धीरे से कहा, राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन हो गया कि राधा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। उसकी माँ और बहन ने मिलकर उसे इस हद तक तंग किया कि राधा ने खुद को अंदर से खो दिया। राहुल ने फैसला किया कि वो अब इस जालिम दुनिया और उस घर में नहीं रहेगा जहां उसकी पत्नी की जान गई थी। उसने सब कुछ छोड़कर चला जाने का निश्चय किया। वो अपने साथ राधा की यादों को लेकर एक नए शहर में बस गया। राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी से राधा की एक संगमरमर की मूर्ति बनवाई।
वो हर दिन उस मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करता और राधा से माफी मांगता रहता। उसके दिल में यह अफसोस था कि उसे राधा को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हर दिन वो राधा से यही कहता, मुझे माफ कर दो राधा, मुझे तुम्हारे दर्द का अंदाजा नहीं था, काश मैं तुम्हारे साथ रहता। उसकी जिंदगी अब सिर्फ राधा की यादों में ही सिमट कर रह गई थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।